सबसे पहले तो आप लोगों को मेरा प्यार भरे नमस्ते। साथ ही साथ आज मैं गार्डनिंग से जुड़ा एक बहुत ही अच्छा सा अनुभव और बहुत ही अच्छी सी चीज़ आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ, जो मैं अधिकतर अपने पौधों में शेयर करती हूँ। अधिकतर जब हम YouTube पे वीडियो देखते हैं या किसी भी माध्यम से वीडियो देखते हैं तो हम देखते हैं उसमें बहुत महंगे महंगे फर्टिलाइज़र या बहुत सारे ऐसे तरीके बताए जाते हैं जिससे हम अपने पौधों को हरा भरा और स्वस्थ रख सकते हैं। महंगी चीज़ें तो अच्छी होती ही होती है दोस्तों, लेकिन कभी कभी कुछ सस्ती चीज़ें या फ्री में मिलने वाली चीज़ें भी बहुत खास होती हैं, आपके पौधों के लिए अमृत का काम करती हैं। और सच मानिए दोस्तों, तो मैं आज एक बहुत ही खास चीज़, अधिकतर लोगों ने इसके बारे में बनाया रहा है, दिखा है वीडियो, बहुत लोग इसका उपयोग भी करते हैं और मैं भी अपने पौधों के लिए इसका उपयोग करती हूँ, लेकिन सबका तरीका अलग अलग होता है। ये चीज़ क्या है, कैसे हम इसके अपने सभी पौधों में उपयोग कर सकते हैं, मैं अपने इनडोर आउटडोर सब्जियों के पौधों में, फलों के पौधों में, यहाँ तक आप मान सकिए अधिकतर पौधों में मैं इसी चीज़ का इस्तेमाल करती हूँ और हर वीडियो में इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ कि मैं इसी फर्टिलाइज़र का प्रयोग करती हूँ। ये फर्टिलाइज़र क्या है, हमें कैसे मिलेगा, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, कई सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। फर्टिलाइज़र मैंने बना रखा था, उसका आज इस्तेमाल करने जा रही थी और मेरे कई दोस्तों की शिकायत थी कि मैम आप हमेशा बोलती तो हैं लेकिन आपने बताया नहीं कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करती हैं। नमस्कार, लगे हाथों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने का तरीका बताती थी। कभी कभी हम लोग वीडियो देखते हैं और तुरंत अनजाने में इन चीज़ों का गलत तरीके से प्रयोग कर देते हैं। जब गलत तरीके से प्रयोग करते हैं तो हमें लगता है कि ये वीडियो फेक है या इसमें जो बताई गई है जानकारी वो गलत है। दोस्तों, जानकारी गलत नहीं होती है, हमारा इसको इस्तेमाल करने का तरीका गलत होता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ कि इस एकदम फ्री की चीज़ या सस्ती की चीज़, शहरों में थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ेगा आपको लेकिन गांव में देहात में इसको एकदम फ्री में मिलती है हमें, ये चीज़ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं इसका इस्तेमाल अपने पौधों के लिए कैसे करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा आप लोगों को पेशेंस नहीं रखना है, मैं बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बातें नहीं करूँगी, इस फर्टिलाइज़र के बारे में आप लोगों को साथ शेयर करूँगी कि मैं इसका कैसे इस्तेमाल करती हूँ। आज मैंने फर्टिलाइज़र बना के रखा है आप लोगों को दिखाते हुए, ये ड्राई फॉर्म में है और इसका कैसे हम लोग लिक्विड बना के कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। और सच मानिए दोस्तों, तो ये जो फ्री की चीज़ है, एकदम सस्ती सी चीज़ है, ये हमारे पौधों के लिए अमृत का काम करते हैं। विशेष करके अगर आप किचन गार्डनिंग करते हैं तो आपकी साग सब्जियों की पैदावार यानी फलों की मात्रा बहुत अधिक बढ़ाती है। फूलों में अगर इसको देते हैं तो फूलों की संख्या बढ़ जाती है। इनडोर पौधों में देते हैं तो आपके पौधे एकदम हरे भरे रहते हैं। बहुत सारे बेनिफिट हैं इस चीज़ के, बहुत उपयोगी ये चीज़ है और कई सारे पोषक तत्वों से एकदम भरी हुई ये सिंपल सी चीज़ और सस्ती सी चीज़ है। चलिए दोस्तों, मैं बताती हूँ कि इसका मैं फर्टिलाइज़र कैसे बना रखा है और मैं किन किन पौधों में इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो मेरे हाथ में था ये ड्राई फॉर्म में था और इसी का मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रखा है, जो कि एक हफ़्ते पहले मैंने इसको बनाया था, एक हफ़्ते पहले बनाया था। इसको बनने में कम से कम हमें एक हफ़्ते का टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको हर 15 दिन में, एक महीने में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप सोचें कि सिर्फ हमेशा इसी चीज़ का इस्तेमाल करें तो ये भी गलत है। जब हम खाना रोज़ रोज़ एक ही नहीं खा सकते हैं तो अपने पौधों को रोज़ रोज़ एक ही फर्टिलाइज़र कैसे दे सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करिए, लेकिन महीने में एक बार करिए, उसके बाद कोई दूसरी फर्टिलाइज़र दीजिए, फिर वापस इसका इस्तेमाल करिए। देखिए आपके पौधे हमेशा हरे भरे रहेंगे जैसे मेरे पौधे रहते हैं। मेरे पास टाइम बहुत कम रहता है, बहुत ज़्यादा व्यस्त ज़िंदगी है मेरी, नौकरी करना, बच्चे देखना, सब कुछ देखना है, इसलिए मैं कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ जो बहुत आसानी से मेरे पौधों को अवेलेबल हो जाती हैं और बहुत आसानी से जिसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये मैंने फर्टिलाइज़र बना रखा है, चलिए इसको मैं उपयोग करने का तरीका आपको बताती हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊँगी कि है क्या चीज़, पहले मैं इसको उपयोग करने का तरीका बताती हूँ। तो ये जो फर्टिलाइज़र है, ये मैंने लगभग 100 ग्राम जो मेरी ये चीज़ है, इसी चीज़ को 100 ग्राम मात्रा से मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाया है। 100 ग्राम इस फर्टिलाइज़र को, यानी ये सिंपल सी जो मेरी हाथ में फर्टिलाइज़र है, इस 100 ग्राम फर्टिलाइज़र को एक हफ़्ते पहले मैंने इस एयर टाइट डब्बे में डाल के और उसके अंदर फिर 1 लीटर 1.5 लीटर पानी डाल के इसको भिगो के रख दिया था। भिगोने के बाद हर दूसरे तीसरे दिन इसको मैंने एक लकड़ी की सहायता से चला दिया ताकि ये खूब अच्छे से सड़ जाए और सड़ के इसके अंदर की जितनी भी गर्मी है गर्मी निकल जाए और इसका बहुत अच्छे से सड़ने के बाद फर्टिलाइज़र तैयार हो जाए। और एक हफ्ते लगभग हो गए हैं और आप देखिए ये मेरा बहुत अच्छा सा फर्टिलाइज़र बनके तैयार हुआ है। मेरे तरीके से अगर बनाएंगे तो इसमें कभी स्मेल नहीं आएगी, कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे, कभी ख़राब नहीं होगा और आपके पौधों के लिए अमृत का काम करेगा। चलिए दोस्तों, इसको मैं यूज़ करना बताती हूँ, फिर इसका नाम तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब देखिए, इसको बनाने के लिए
ये फर्टिलाइज़र लिया है मैंने, ये 100 ग्राम से बना हुआ मेरा फर्टिलाइज़र है और इस 100 ग्राम से बने फर्टिलाइज़र को मैं लगभग 20 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र में चेंज करूँगी, कम से कम 20 या 25 लीटर। मात्रा हमारी कम हो जाए चलेगा, लेकिन मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ नुकसानदायक होती है। कम होगी चलेगा, है ना, हम खाना कम खाते हैं चलेगा, लेकिन ज़्यादा खाएंगे तो खाना हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो इसीलिए इसके बारे में भी याद रखिएगा कि मात्रा कम होगी चलेगा, लेकिन मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये 100 ग्राम भिगाया हुआ मेरा फर्टिलाइज़र है और 100 ग्राम फर्टिलाइज़र से मैं लगभग 20 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाऊँगी और आज अपने टेरिस गार्डन में यानी छत पर लगे हुए सभी पौधों को इस 20 लीटर फर्टिलाइज़र को दूंगी। दूसरे दिन जब बनाऊंगी तो अपने नीचे किचन गार्डन में और अपने फलदार पौधों को इसको दूंगी। तो आज मेरा नंबर इतने छत के यानी टेरेस पे लगे हुए पौधों के लिए है, तो इससे मैं 20 लीटर फर्टिलाइज़र बनाती हूँ। इसके लिए मैंने दिया है, चलिए बताती हूँ कि कैसे मैं इसको बना रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मेरी 15 लीटर की बाल्टी है और 15 लीटर की बाल्टी में ये जो मैंने फर्टिलाइज़र बना के रखा था इसका आधा इस 15 लीटर पानी में मैं मिला दूंगी। और ये देखिए लगभग आधा मिला लिया है मैंने, और आधा मिलाने के बाद इसको मैं एक ऐसी छड़ी के सहायता से खूब अच्छे से घोल लूँगी। और ये देखिए बहुत ही आसान सा और बहुत ही सस्ता सा हमारा फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो चुका है, जो अधिकतर गार्डनर लोग प्रयोग करते हैं। ये देख सकते हैं आप कि एकदम पतला हल्का सा बस धुंधलापन लिए हुए हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार है। और इसकी कंसिस्टेंसी जब भी आप अपने पौधे में उपयोग करें तो बस आपको इतनी ही रखनी है, इससे गाढ़ी आपको नहीं रखनी है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये आपका कम रहेगा, इससे पतला रहेगा चलेगा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा, आप दोबारा ट्राई कर लेंगे, आपके पौधे फिर काम करेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। तो बस ऐसा बनाइए और बनाने के बाद अपने आप सभी पौधों में गुड़ाई गुड़ाई करके आप सभी पौधों में पौधों की स्थिति के अनुसार दे दीजिए। इवन मैं अपने मनी प्लांट में भी इसको देती हूँ, ये मेरे कलौंचियों के पौधे हैं, और ऐसे ही करके मैं इस फर्टिलाइज़र को सभी पौधों में दे दूँगी। तो मैं इधर देखिए तो ऐसे ही करके हम अपने सभी पौधों में दे देंगे और इसको छोड़ देंगे। अधिकतर आप कोशिश करिएगा कि इस फर्टिलाइज़र को आप गर्मी का मौसम है तो शाम के समय दीजिएगा, जब धूप ख़त्म हो जाए और एक आध घंटे के बाद आपके पौधे ठंडे हो जाए तक। ज़्यादा गर्म मिट्टी में इसको मत दीजिएगा, उससे आपके पौधों को नुकसान हो सकता है। चलिए दोस्तों, मैंने फर्टिलाइज़र बता दिया, इसका तरीका बता दिया, अब मैं आप लोगों को ज़्यादा समय ना लेते हुए बता देती हूँ कि ये है क्या। तो दोस्तों ये जो है इसको बोला जाता है मस्टर्ड केक या सरसों की खली। देखिए मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ, आजकल का ऐसा टाइम हो गया है कि सब किसी को पेशेंस मतलब कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जहाँ पे कुछ ना कुछ आपसे छुपा के रखा गया है और तब आप लोग वीडियो देखते हैं, नहीं तो आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को इतना थोड़ा सा पेशेंस धराने की कोशिश की, या आप लोगों के साथ थोड़ा सा कोशिश की कि थोड़ा सा फ्लट किया जाए, तो फ्लट भी नहीं कह सकते हैं। तो ये जो फर्टिलाइज़र है इसको बोला जाता है सरसों की खली, या इंग्लिश में आप कह सकते हैं मस्टर्ड केक। जब हम सरसों का तेल निकलवा लेते हैं, तेल निकालने के बाद जो उसकी खरी बच जाती है ये है। तो तेल तो हम लोग घरों में खाने में इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन ये जो खरी होती है ये बहुत ही उपयोगी होती है, और ख़ास करके आपके पेड़ पौधों के लिए। गाँव में तो इसको पशुओं को चारे के रूप में देने के लिए भी लाया जाता है, चारे में मिला के यानी भिगो के उनको दिया जाता है। इससे पशु बहुत स्वस्थ रहते हैं क्योंकि इसमें कई सारे पोषक तत्व होते हैं, कई सारी चीज़ें बहुत अधिक मात्रा में इसमें पाई जाती हैं जो कि हमारे पौधों के लिए अमृत का काम करते हैं, और बहुत लोग इसका उपयोग करते हैं। आप भी इसका उपयोग करिए और एक बार पक्का करिए। तो देखिए फर्टिलाइज़र बनाने के लिए ये लगभग 100 ग्राम सरसों की खली है। 100 ग्राम सरसों की खली को आप किसी भी एयर टाइट डब्बे में या मिट्टी के बर्तन में, आपके पास छोटा मिट्टी का बर्तन है या एयर टाइट डब्बा है तो इसमें डाल लीजिए, और डालने के बाद उसको पानी से भिगो के और ढक्कन को एकदम टाइट करके लगा दीजिए। टाइट ढक्कन लगाने के बाद इसको हर दूसरे तीसरे दिन ढक्कन को खोल के इसमें से गैस निकाल दीजिए और लकड़ी की सहायता से इसको चला दीजिए, और ये काम आपको करना है कम से कम एक हफ्ते तक। कम से कम सर्दियों में तो एक हफ्ते, गर्मियों में आप 5 दिन 6 दिन भी करेंगे तो भी आपका ये फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो जाएगा। और जब आपका फर्टिलाइज़र अच्छी तरह से घुल जाए और ऐसा बढ़िया सा घोल बनके तैयार हो जाए, तो आप किसी भी बाल्टी में 10 लीटर 20 लीटर आपके पौधे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लीजिए, और उसमें पानी मिला के, नॉर्मल ठंडा पानी मिला के इतना पतला घोल बनाइए, और घोल बनाने के बाद अपने सभी पौधों को दीजिए। देखिए आपके पौधों को कोई महंगा फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए,
कोई विशेष केयर नहीं करनी पड़ी होगी, बस समय समय पर आप ये फर्टिलाइजर दीजिए, अपने पौधों को पानी दीजिए, अच्छी खासी धूप पे उन्हें रखिए, अगर इंडोर पौधे हैं तो उन्हें छाया में रखिए। जैसे कि आप मेरा ही देख रहे होंगे, जब गर्मियाँ अधिक हो गई हैं तो मैंने अपने पौधों को घर के अंदर शिफ्ट कर दिया है ताकि इन्हें बहुत अधिक धूप न लगे, क्योंकि जब मेरे पौधों को ज़्यादा धूप लगेगी तो ये पौधे मेरे झुलस जाएंगे और अधिक गर्मी के कारण ख़राब हो जाएंगे। तो छोटी छोटी हम लोग केयर कर सकते हैं, केयर करके अपने पौधों को बहुत अच्छा खासा हम लोग चला सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, मेरा कैलेंचो का पौधा बहुत अधिक खिला था और अब इसके फूल धीरे धीरे ख़त्म हो चुके हैं, और अब इसकी मुझे डेड हेडिंग यानी इसका जो खिले हुए फूल ख़त्म हो चुके, इसको ख़त्म करना है। ये अभी भी बहुत प्यारा लग रहा है, इसलिए मैंने अभी कुछ दिनों तक छोड़ रखा है, फिर उसके बाद मैं इनकी शाखाओं को काट दूँगी। और ये देखिए मेरे कैलेंचो की और वैरायटी, और ये देखिए ये मेरे सभी पौधे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और सच मानिए दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं अपने पौधों के लिए सरसों की खली का प्रयोग करती हूँ, तो ये एकदम सच है। और देखिए आप मेरे पौधों की स्थिति देख सकते हैं, और कमेंट करके बताइएगा कि मेरे पौधों की स्थिति कैसी है, आपको कैसे लगे। यूजफुल लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैं अपने पौधों में हमेशा देती हूँ, अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं अपने पौधों के लिए सरसों की खली का प्रयोग करती हूँ। सरसों की खली मैं अपने सभी फलदार पौधे, मेरा जैसे सीताफल हो गया, कड़ी पत्ता हो गया, अमरूद हो गया, तुलसी जी हो गई, मेरी साग सब्जियाँ, मिर्ची, बैंगन, टमाटर, खीरा, जो भी चीज़ें मैंने लगा रखी है उन सभी चीज़ों में, विशेष करके लौकी और बेल वाली सब्जी में इसका विशेष तौर पर प्रयोग करती हूँ। ये बहुत ही उपयोगी फर्टिलाइज़र है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर इसको आप सही तरीके से दें, महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार इस तरीके से आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए और उसका प्रयोग करिए, देखिए बहुत अच्छा इसका रिजल्ट होता है। कमेंट करके पक्का बताइएगा कि मेरे गार्डन के ये पौधे और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसा लगा। अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके फ़ायदे जानते होंगे, और नहीं इस्तेमाल करते हैं तो एक बार पक्का इस्तेमाल करिएगा, और इस्तेमाल करने के बाद इसका रिज़ल्ट क्या था मुझे बताइएगा। चलिए मैं अपने सभी पौधों में डाल देती हूँ, आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि मैं कैसे अपने पौधों में डाल रही हूँ, साथ ही साथ अपने पौधे भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं।